नमस्ते, आप सभी का स्वागत है वी स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 हिंदी एनसीईआरटी बुक क्षितिज भाग 2 का अध्याय नंबर 11। अध्याय का नाम है बाल गोविंद भगत। यह अध्याय एक ऑडियो लेसन होने वाला है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। अध्याय का नाम है बाल गोविंद भगत। तो चलिए बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमगा किया करता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाना चाहिए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतिहू को तो मैंने देखा था। यहाँ पे पतिहू का मतलब जो पुत्र की वधू होता है उसे पतिहू कहा जाता है। उनके बेटे और पतिहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खड़े उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को भी कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, एक कबीरपंथी मठ से मतलब। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलती थी। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकल कर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा घाव खेतों में उतर पड़ा है। कई हल चल रहे हैं, कहीं रोपण हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेर राम वृक्ष बेनीपुरी पर बैठी हुई है। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नामो निशान नहीं है, ठंडी पुरबाई चल रही है। पुरबाई मतलब यानी हवा चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सिकर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे थे। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही थी। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चरा कर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेर पर खड़ी औरतें के होंठ कांपने लगते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? भादों की वो अंधेरी अदरातियां, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज बिजली की तरफ में अपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार
या दादीरों की टट्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वे गाए रहे हैं। गोदी में पियावा चमके उठे सकिया, चिहको उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वो अकेली है। चमक उठती है, चिहक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की रात में उनका यह गाना अंधेरे में कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता है। अरे, अब सारा संसार निस्तब्ध में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर, जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो भागों तक चला करती थी। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते। गांव से दो मील दूरी में थे वो, वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे ही नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बरा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कूस की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगती चली जा रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक में श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों की उनकी संज्ञा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने गांव के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडल उसे दोहराती फिरती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चराप के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में ही खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा अगन नृत्य और संगीत में ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सूरत और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए और प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतिहु बड़ी ही सुबक और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधी का बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहल वश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखर दिया है, फूल और तुलसी दल भी। सिरहने का एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं।
वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतिहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतिहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गया, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतिहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई, पतिहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, ये आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करवा देना। इधर पतिहू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग ना कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दंसर पर, पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी, साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर आकर ही खाते। रास्ते में खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वह मस्ती करते थे। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवाने वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नानाध्याय, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छिजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखर गया होगा। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। यह था अध्याय। इस अध्याय में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 1 है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि वह सन्यासी की तरह अपने जीवन को व्यतीत करते थे, कबीर के पंथों को गाते थे, किसी से झूठ नहीं बोलते थे, ना किसी से खराब व्यवहार करते थे, झगड़ा नहीं करते थे, खेत में जो भी पैदा होता था वो कबीर के मठ में दे आते थे। प्रश्न नंबर 2, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि जब उनके पुत्र का निधन हो गया, तब उनकी पुत्रवधू ने कहा वो अपने मतलब भगत जी को छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि भगत जी बूढ़े हो चुके थे और बूढ़े में उनकी देखभाल कौन करेगा, इसलिए वो उन्हें छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। प्रश्न नंबर 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो भगत जी ने अपने बेटे के मृत्यु को शरीर को आंगन में एक चटाई पर लिटा दिया और सफ़ेद कपड़े से ढक दिया, फूलों को तोड़ कर बिखेर दिया और उसमें तुलसी की माला चढ़ा दी, और वो एक आसन में बैठ के गीत गाने लगे थे। प्रश्न नंबर 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी कुछ विशेषताएं अपने शब्दों में कहिए। तो आप लोग उसका चरित्र वर्णन कर सकते हैं, जैसा कि लिख सकते हैं कि वो गोरे चिट्टे आदमी थे, लंबे कद के थे, उम्र 60 से ऊपर की थी, बाल पक गए थे और जटाजुट नहीं रखते थे, सफ़ेद बाल जगमगाते थे, वे कमर पे एक लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों की सी टोपी पहनते थे, जाड़ा में एक कमला ओढ़ लेते थे और हमेशा एक रामानंदी चंदन तिलक लगाते थे, और वो गृहस्थ थे लेकिन सन्यासी जैसा उनका व्यवहार था।
प्रश्न नंबर 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखिए। प्रश्न नंबर 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को मानते थे, पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख करें। प्रश्न नंबर 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियों की किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। तो ये था अध्याय नंबर 11, बाल गोविंद भगत क्षितिज भाग 2 का। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, एंड ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आगे भी मैं वीडियोस लाती रहूँगी, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।